ही नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल ऑप्शन ऑफ टेक में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में अगेन आप सभी लोगों को टॉप फोर पावरफुल एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। सो गाइज, यहाँ पे जो चारों एप्लीकेशन में आप सभी लोगों को बताऊंगा, चारों अपने जगह पे एक से एक काम करते हैं, अलग अलग काम करते हैं। सो गाइज, चारों एप्लीकेशन एक दूसरे से बिल्कुल ही डिफरेंट है, बट काम कमाल ही करते हैं। अगर एग्जांपल के तौर पे अगर आप बात करते हो, गाइज यहाँ पे एक एप्लीकेशन इसमें ऐसा है जिसकी मदद से आप किसी के भी एल्बम के टाइटल को चेंज कर सकते हैं, उसके सब टाइटल को चेंज कर सकते हैं, एल्बम आर्ट को चेंज कर सकते हैं। सो गाइज, टोटली जो है गाने के जो टैक्स को जो है टोटली अपने अकॉर्डिंग जो सेट कर सकते हैं। सो गाइस, कुछ इस टाइप की एप्लीकेशन, अगर आप इस बारे में जानते हैं हमारे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो मैं लिस्ट में जो पहला एप्लीकेशन है उसका नाम है रेडियोग्राम। बेसिकली नाम सुन के आप सभी लोगों को पता चल गया होगा ये एप्लीकेशन है क्या। सो गाइस, ये एक रेडियो टाइप की एप्लीकेशन है जहाँ पे आप किसी भी कंट्री के जो रेडियो स्टेशन को जो है चैनल्स को जो है आसानी से सुन पाएंगे। सो गाइस, यहाँ पे आप देखिए ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, बांग्लादेश, फ्रांस, इंडिया, इटली, पाकिस्तान। सो गाइस, यहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज के नाम आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप जिस कंट्री के भी रेडियो स्टेशन को सुनना चाहते हैं, चैनल को सुनना चाहते हैं, तो गाइस वहाँ पे आप एक्चुअली स्टेशन को सुनना चाहते हैं तो गाइस सिंगल क्लिक करके आप किसी भी कंट्री को सेलेक्ट कर लीजिए। और फिर गाइस सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखिए किसी भी स्टेशन को जो है आप आसानी से सुन सकते हैं। अगर स्टेशन की बात करें तो गाइस बहुत ही अमेजिंग वे में कस्टमाइज़ किया गया है। न्यूज़, पॉप, डिज़ाइन, म्यूज़िक, डांस, सबके अलग अलग तरीके से स्टेशन को जो कैटेगराइज किया हुआ, किस टाइप के आप स्टेशन पे जाना चाहते हैं, रेडियो स्टेशन पे किस टाइप की चीज़ें सुनना चाहते हैं, कैसे गाना सुनना चाहते हैं, न्यूज़ सुनना चाहते हैं। सो गाइस, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर अवेलेबल है। और गाइस यहाँ पे आप इंडिया के ही नहीं किसी भी कंट्री का जो है सुन सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया है, बांग्लादेश है, नेपाल, पाकिस्तान, बहुत सारे देशें हैं, बहुत सारी कंट्री है यहाँ पर। सो गाइस, आप आसानी से जो है किसी भी कंट्री को सेलेक्ट करके किसी भी कंट्री का जो है रेडियो स्टेशन के सारे एपिसोड्स जो भी है आप सुन सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, न्यूज़ सुन सकते हैं। सो गाइस, पूरी देश के अलग अलग देशों की जानकारी आप सुन सकते हैं। बट गाइस, इसके लिए आपके फ़ोन में बस इंटरनेट कनेक्शन इनेबल रहना चाहिए। सो गाइस, अगर इंटरनेट कनेक्शन इनेबल रहेगा तो गाइस आप किसी भी कंट्री के रेडियो स्टेशन। दोस्तों, मेरी लिस्ट में नेक्स्ट एप्लीकेशन, उसका नाम है ज्यूज़। बेसिकली गाइस, इस एप्लीकेशन का काम क्या है, ये एप्लीकेशन बीट के अकॉर्डिंग जो है फ्लैश को बीट करता है, गाने के बीट के अकॉर्डिंग जो है फ्लैश को जो है यहाँ पर आपके लिए बीट करता है। सो गाइस, यहाँ पे इंटरनल मोड आपको मिल जाता है, बीट मोड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, और फिर लास्ट में जो है म्यूजिक मोड आपको देखने को मिल जाता है। सो गाइस, मैं एक एक करके सबको बताता हूँ। म्यूजिक मोड में एक्चुअली होता है कि अगर कहीं भी आसपास गाना चल रहा हो या फिर आपके फ़ोन में ही गाना चल रहा हो, तो गाइस ये म्यूजिक के बीट को पकड़ के जो फ्लैश लाइट को बीट करने लगेगा, ब्लिंक करने लगेगा, बीट के अकॉर्डिंग ये जो गाना टॉर्च जो है फ्लैश लाइट जो है ब्लिंक करेगा। सो गाइस, यहाँ पे मैंने एक गाना प्ले कर रखा है और गाइस यहाँ पे जो गाने के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर ये ब्लिंक कर रहा है। और बीच वाला जो एक बीट मोड है वो तो नॉर्मली जैसे आप उसे इनेबल कर देंगे तो गाइस ऑटोमेटिकली जो आपका टॉर्च है, आपकी फ्लैश लाइट जो है वो बीट करती रहेगी। बट गाइस, जो सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो ईयरफोन वाला ऑप्शन है, हेडफोन वाला ऑप्शन है। सो गाइस, वहाँ पे आप ईयरफोन अगर इंसर्ट करेंगे तो गाइस गाने के जो भी गाना आपके ईयरफोन में बज रहा होगा शायद उसके अकॉर्डिंग जो है आपके लीड में जो गाना बज रहा होगा उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे फ्लैश लाइट बीट करेगा। सो गाइस, यहाँ पे बस तीन ही ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो इन तीन ऑप्शन से जो आप कुछ भी कर सकते हैं, लाइक इंटरनल मोड हो गया, बीट मोड हो गया और म्यूजिक मोड हो गया। और गाइस सबसे नीचे एक टैब मिल जाता है, तो गाइस उससे आप मैनुअली फ्लैश लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। और फिर गाइस यहाँ पे आप इसे कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं बीट मोड को अपने अकॉर्डिंग। सो गाइस, मेरे ख्याल से बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन रात रात में काम। तो मैं लिस्ट में नेक्स्ट एप्लीकेशन, इसका नाम है स्टार म्यूजिक टैग। सो गाइस, नाम से आपको पता चलेगा इस एप्लीकेशन की मदद से जो आप म्यूजिक के टैग्स को चेंज कर सकते हैं, एल्बम आर्ट को चेंज कर सकते हैं, किसी भी गाने के आर्ट को जो अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। सो गाइस, सिंगल आपको क्लिक करना है किसी भी गाने पे, और क्लिक करने के बाद जो आप यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पे थीम भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आप किसी गाने पे क्लिक करेंगे तो गाइस यहाँ पे ऑप्शन आ गया, यहाँ पे आप पिक्चर पे क्लिक करके जो गाइस अपनी गैलरी से किसी पिक्चर को पिक करके जो है उस गाने का एल्बम आर्ट लगा सकते हैं, उस गाने पे जो है सॉन्ग का आर्ट जो है वो अपने अकॉर्डिंग जो है लगा सकते हैं। और फिर गाइस सॉन्ग टाइटल की बात करके तो गाइस अपने अकॉर्डिंग जो सॉन्ग के टाइटल को भी चेंज कर सकते हैं, टाइटल ही नहीं आप किसी भी गाने के लिरिक्स को भी अपने अकॉर्डिंग जो है एडिट कर सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पे सॉन्ग टाइटल चेंज कर दिया, आर्टिस्ट के नेम को भी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, एल्बम के नाम को भी अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, और फिर एल्बम आर्टिस्ट कौन है वो भी डाल दीजिए। और फिर गाइस अगर आप कीप पे क्लिक करते हैं तो गाइस यहाँ पे आप देख लीजिए कैरेक्टर सेट जो कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। और फिर गाइस यहाँ पे ऊपर आपको सेव का ऑप्शन मिल जाएगा, तो गाइस जैसे आप यहाँ पर सेव करेंगे तो ये डिफॉल्ट जो आप कहीं पे भी अगर आप म्यूजिक प्लेयर में किसी भी म्यूजिक प्लेयर में प्ले करेंगे तो गाइस ये आपके नाम पे ही आएगा, आपके एल्बम आर्ट पे ही आपका आपने जो सॉन्ग आर्ट लगा रखा होगा वही आर्ट आएगा। और गाइस आप इसे कहीं पे भी प्ले करेंगे तो गाइस इसी एल्बम आर्ट के साथ प्ले होगा और इसी टाइटल के साथ जो है प्ले होगा।
एल्बम आर्ट हर चीज़ यही शो करेगा। सो गाइस यहाँ से जो है आप किसी भी गाने को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हैं, किसी भी गाने के टैक्स को चेंज कर सकते हैं, एल्बम आर्ट को चेंज कर सकते हो। फिर गाइस यहाँ पे प्ले म्यूजिक, इसका अपना इनबिल्ट प्ले म्यूजिक प्लेयर भी है, स्टार म्यूजिक प्लेयर, जो कि आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। और फिर गाइस यहाँ पे एल्बम आर्ट जनरल मैनेजर, जो भी नॉर्मल सी चीज़ है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर इसलिए कर सकते हो। सो गाइस मेन इसका फीचर ये है कि आप किसी भी गाने के टैक्स को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, एल्बम आर्ट को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। सो गाइस ये एप्लीकेशन भी बहुत यूजफुल है। तो इसमें लिस्ट में जो लास्ट और फाइनल एप्लीकेशन है उसका नाम है टच लॉकर। गाइस ये एप्लीकेशन जो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल एप्लीकेशन है, बिकॉज गाइस ये हर एक बंदे के काम आता है। बिकॉज गाइस ऐसा बहुत सा होता है जो कहीं घूमने जाते हैं या फिर किसी के घर में जो आस पड़ोस के छोटे छोटे बच्चे आते रहते हैं और हमेशा फ़ोन मांगते रहते हैं, भैया फ़ोन दे दो, भैया फ़ोन दे दो। सो गाइस उनके लिए जो ये एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। बेसिकली ये करता है कि आपके जो टच स्क्रीन को जो है लॉक कर देता है। सो गाइस सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जो भी इसकी टर्म्स एंड कंडीशन है, एक्चुअली जो भी परमिशंस ये मांग रहा है, उन सारे परमिशंस को अलाउ कर दीजिए, एक्सेसिबिलिटी में जाके अलाउ कर दीजिए। और फिर गाइस यूसेज एक्सेस भी दे दीजिए, हर टाइप का एक्सेस जो आप इसे दे देने के बाद जो है, जैसे आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो सबसे फर्स्ट पे आपको ऑप्शन मिलेगा हाइड वाला। तो गाइस एडवांस फीचर है जिसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। लाइक अगर आप पे नहीं करना चाहते तो गाइस आप एक ऐड को देखिए तो आपको 3-4 बार जो है ये फ्री में मिल जाएगा। सो गाइस अगर आपको ये एप्लीकेशन आप फ्री ट्रायल इसका यूज़ कर लीजिए, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे पे करके परचेज भी कर लीजिएगा। फिर गाइस जैसे आप इसे इनेबल करेंगे तो गाइस आपको नोटिफिकेशन बार में एक आइकन, इसका एक कुछ नोटिफिकेशन देखिए, उस पर आप जैसे ही टैप करेंगे तो गाइस आपकी स्क्रीन को जो लॉक हो जाएगा। और गाइस आप कहीं पे भी टैप करेंगे तो गाइस यहाँ पे टच वर्क नहीं करेगा, बट गाइस हिडन जो आइकन है उसी एप्लीकेशन का, वहाँ पे अगर आप डबल टैप करते हैं तो गाइस वहाँ पे जो ये ओपन हो जाएगा। सो गाइस अपने अकॉर्डिंग क्विक टैप्स को जो आप सेट भी कर सकते हैं, 3 क्लिक करना है, 4 क्लिक करना है या फिर बहुत सारे क्लिक करना है, वो सारी चीज़ आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। फिर गाइस यहाँ पे एक और मैं आप सभी लोगों को करके दिखाया था। तो गाइस यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें सेट कर दी, नोटिफिकेशन में गया, इनेबल कर दिया। तो गाइस यहाँ पे आप देख लीजिए, अब मैं कहीं पे भी कुछ भी टच कर रहा हूँ तो गाइस वर्क नहीं कर रहा। सो गाइस अगर जहाँ पे हिडन वो आइकन है वहाँ पे मैं टैप करूँगा तो ये काम कर जाएगा। सो गाइस कुछ टाइप्स की एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा यूजफुल है। दोस्तों कुछ इस टाइप की थी हमारी वीडियो, अगर आपको हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, घंटा भी दबा देगा।